बेटा इधर आओ, कोई काम कर लो, आ जाओ। ये देखें, अभी तक मैंने कोई काम भी नहीं किया। आज तो आज इतनी तेज हवा चल रही थी, कोई काम भी ढंग से नहीं हो रहा। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे वार, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जो मेरे भाई बहन दुख में है, तकलीफ में है, या किसी परेशानी में है, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। तो इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम भाई और बहनों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, और जो है ना वीडियो को पूरा वॉच करना है, लाइक शेयर भी ज़रूर करना है जी। तो प्यारे यार, आज जो है ना हमारे गांव का माहौल ऐसा था, इतनी हवा चल रही थी, तो व्यूअर्स आज जो है ना मैं सुबह से कपड़े बच्चों के धोने लगी। तो व्यूअर्स ये देखें, अभी जो है ना माशाल्लाह से ये कपड़े जो है ना सूख गए हैं, इनको जो है ना मैं उतार रही थी। तो अभी तक जो है ना मैंने किचन का कोई काम भी नहीं संभाला। तो व्यूअर्स अभी जो है ना जल्दी कर रही हूँ कि कोई काम किचन का भी संभालूँ और ये कपड़े भी उतार कर अंदर रख लूँ। ये देखें, बच्चे जो है ना स्कूल से आते हैं, घर के हालात इतने ख़राब कर देते हैं कि घर में जो है ना हर चीज़ को जो है ना खिड़ा कर रख देते हैं। मुझे जो है ना सारे हर चीज़ समेटनी पड़ती है घर की। ये कपड़े जो है ना मैं अंदर, तुम्हारा कोई काम तुम भी कर लो। नहीं, क्या करूँ। ये देख रहे हैं, ये मैं अपने किचन में ये सामान इकट्ठा कर रही हूँ। आज जो है ना शुक्र है अल्लाह का, चटनी से तो जान छूटी। आज जो है ना ये अंडे मैं बना रही हूँ। मां, आज मैं आपसे कह रही हूँ, आपको मैं सालन रोटी नहीं बना कर दूंगी। आप कोई काम में भी मेरा साथ नहीं देते। कोई काम तो कर लो बेटा, बस मैं बैठती हूँ। ये आलू बनाती हूँ। दिल का पड़ा है, दिल का। कल से जो है ना लकड़ियाँ अब मेरी ख़त्म हो चुकी हैं। कल से थापियाँ, एक काम और भी मेरा बढ़ गया है। कल से जो है ना थापियाँ बनानी पड़ेंगी। लकड़ियाँ जो है ना ख़त्म हो चुकी हैं ना। देखिए बस, अब जो है ना ये आलू काटूंगी मैं बारीक बारीक। देखें व्यूअर्स, मैंने कुछ सामान तो ले आई हूँ। आज जो है ना मैंने किचन में सब सामान नहीं रखा, जैसे कि नमक और मिर्चा के डब्बे होते हैं। अब जो है ना जान को कहूँगी तो वो भी नहीं ले आएगा, क्योंकि वो खेल में लगा हुआ है। तो ऐसा कर लेती हूँ, ये आलू जो है ना बारीक बारीक इसे काट लेती हूँ, फिर जो है ना कुछ सामान इकट्ठा कर लूँगी। आज मुझे बहुत देर हो चुकी है ना, सारा दिन काम में मेरा गुजर गया है ना। सासू माँ आ जाती है तो कुछ काम जो है ना वो मेरे साथ कर ही लेती है। आज जो है ना मैं अकेली थी ना, इसलिए जो है ना मेरे काम और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक तो सर्दी फिर से आ जाती है, जाने का नाम ही नहीं ले रही। सर्दी सर्दी इतनी है, सारा दिन कपड़े धो धो कर, मुझे तो आज बहुत सर्दी लग रही है। कपड़े धो कर सारा दिन जो है ना बच्चों के कपड़े धोए हैं ना, इसलिए
नुमान बेटा माचिस ले आओ, थोड़ी सी आग तो जला लो, मुझे बहुत सर्दी लग रही है आज। जल्दी से बेटा। जी तो प्यारे वाले, मेरा तो अंडे बनाने का हमारे गांव में यही तरीका है, जैसे कि मैं बना रही हूँ। पहले जो है ना, मैं ये आलू की छिलके उतार कर इसको जो है ना बारीक बारीक काट लूँगी। फिर जो है ना आप देख रहे हैं, ये सावे धनिया भी पड़े हैं और टमाटर भी पड़ा है साथ में, और अंडे भी पड़े हैं। इन सावे धनिया को और टमाटर को भी मैं बारीक बारीक, जैसे कि आलू काट रही हूँ तो इनको भी बारीक बारीक काट लूँगी। फिर जो है ना ये मिर्चें भी मैं डालूँगी, ये देखिए। तो फिर जो है ना ये अंडे जो है ना, पहले इसको अच्छे तरीके से तड़का लगा लूँगी। फिर जो है ना बाद में जब आलू जो है ना बिल्कुल नरम हो जाएंगे, फिर जो है ना ये दोनों अंडे मैं तोड़कर डालकर तड़का अच्छे तरीके से लगा कर नीचे ही उतार लूँगी। हमारे गांव में बस यही तरीका होता है इसको बनाने का, क्योंकि हमारे पास जो है ना इतना घी नहीं होता ना, बस ऐसे ही गुजारा करना पड़ता है। इतना महंगा घी है तो इंसान क्या करे, खरीद सकता है? बस बच्चों का गुजारा ही करना पड़ता है, बस बच्चों का पेट तो पालना ही पड़ता है ना। नुमान तुम कहाँ चले गए? आओ बेटा आग जला लो, मुझे बहुत आज सर्दी लग रही है। जी तो प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बच्चों को जो है ना बहुत खांसी हो चुकी है सर्दी की वजह से, क्योंकि पूरी सर्दियां जो है ना मेरे बच्चों ने इसी धपरी के नीचे ही गुजारी हैं पूरी सर्दियां। तो व्यूअर्स, इनकी हिम्मत है हमारे बच्चों की, जब ये सुबह स्कूल जाते थे तो इसी डपरी में इनकी मैं रोटी बनाती थी। तो क्या करें, बस हालात ही ऐसे हैं कि किचन बनवा सके, इतने हालात हमारे नहीं हैं। तो बस ये छोटी सी ढपरी हमने बना ली थी, इसके नीचे ही हमने सर्दियां जो है ना गुजार ली हैं। तो अब जो है ना जैसे तैसे बस गुजारा ही कर रहे हैं, क्या करें व्यूअर्स, चैनल ही बना कर हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। हमने सोचा कि ये चैनल बना लेते हैं तो कुछ हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे, लेकिन नहीं, अभी तक तो हमारा चैनल जो है ना मोनेटाइज भी नहीं हुआ, क्या करें। जी तो प्यारे व्यूअर्स, ये काम काज तो हमारे होते रहेंगे। आज जो है ना मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि ये सालन बनाकर मैं आप व्यूअर्स से शेयर करूं, तो चलो कोई बात नहीं, किसी और दिन जो है ना टाइम पूरा होगा ना फिर मैं बनाकर ये ज़रूर शेयर करूंगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, और कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।